हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सॉल्यूशन सिंह एकेडमी पर। एक और बड़ी अपडेट के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 885 की जो वेटिंग लिस्ट आपकी आई थी वो निरस्त कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, दो नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा जिसमें इस वैकेंसी की आपको खबर पता चलेगी कि क्यों इसको निरस्त की गई है, कैंसिल की गई है 885 की वेटिंग। और अब नई वेटिंग के बारे में भी जानकारी आपको दूंगा कि नई वेटिंग अब आने वाली है तो कितने की आएगी, कैसे आएगी, क्यों ये कैंसिल की गई है, क्या कारण इसके पीछे रहा। अभी मैं हूँ वेबसाइट के ऊपर नेशनल हेल्थ मिशन की। 2800 पोस्ट पे जो आपकी भर्ती हुई थी उसमें से अभी 885 की जो पोस्ट निकाली गई थी आपके, तो वो देखिए मैं चलता हूँ। उसका नोटिफिकेशन वेबसाइट से अभी डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सबसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी आपको प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए 885 की तो वेटिंग लिस्ट आपकी कैंसिल कर दी गई है, अब एक और नई वेटिंग लिस्ट आई है आपकी। और इसका मैं पूरा आपको एक तरह से क्लियर करूँगा चीज़ की क्यों कैंसिल की गई और किस आधार पर कैंसिल की गई। पॉइंट टू पॉइंट अपन प्रतिशत के ऊपर भी इस पर जाएंगे। तो चलते हैं पहले अपन, और जो वो दो नोटिफिकेशन है कैंसिल हुए हैं उसके मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको 885 की वेटिंग लिस्ट क्यों निरस्त हुई उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके जो मैसेज आया है उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं कैमरा बंद कर देता हूँ और आपको पूरी जानकारी देता हूँ। चलिए बात करते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब देखिए 885 का जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था वो देखिए, आप देखोगे अगर वेबसाइट पर जाकर तो उसको डिलीट कर दिया गया है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए 4000 की नई वैकेंसी आई थी ना आपकी, उसका नोटिफिकेशन तो ये रहा, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, नीचे चलते हैं, नीचे चल के देख लेते हैं, डिलीट कर दिया गया है। और चलिए अब मैं चलता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं उत्तर प्रदेश में, हालांकि अपन पूरे राजस्थान में बिलोंग करते हैं, पूरे राजस्थान में अपने नर्सिंग स्टूडेंट फैले हुए हैं, तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे रात भर से। और देखिए जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था 885 की वेटिंग लिस्ट में उनके पास मैसेज आ गया है। किस चीज़ का आ गया है? कैंसिलेशन का। क्यों आया है, क्या कारण रहा है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। उसका भी मेरे पास नीचे PDF और जानकारी पड़ी हुई है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। इफ़ अगर आप भी ने भी एग्ज़ाम दिया था 2800 की CHO की भर्ती का NHM उत्तर प्रदेश से। मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंट इसमें लिखा है, सर मैडम काइंडली रिफेल ट्रेल मेल रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ 885 एलिजिबल CHO CCHN ट्रेनिंग फ्रॉम वेट लिस्ट अंडर NHM। जो आपकी CHO CCHN के लिए ट्रेनिंग के लिए 885 की जो वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी अंडर, जो कि NHM उत्तर प्रदेश के अंदर है, और आपके डॉक्यूमेंट स्टार्ट भी होने वाले थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस DVP एंड अकॉर्डिंग स्टार्ट टू CCHN ट्रेनिंग के लिए 10 से 15 तारीख लास्ट थी, आप सभी को याद ही होगा, तो कैंसिल हो गई है। इन दिस रिगार्ड आज 10 तारीख है, इट इज़ इन्फॉर्म दैट सम इरर, कुछ उसमें त्रुटि पाई गई है, साफ साफ लिखा गया है सम इरर। और आगे बात करेंगे इसमें उन्होंने कुछ पाया है, फाउंड एफोरेस्ट रिजल्ट शेयर बाय द कंसर्न एजेंसी, एक कंसर्न एजेंसी के द्वारा इसमें कुछ त्रुटि पाई गई, कुछ गलतियां पाई गई है। इन द व्यू ऑफ द अबव इन सब चीज़ को देखते हुए अप्रूव किया गया है, इसको स्वीकार किया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू मिशन डायरेक्टर, जो NHM उत्तर प्रदेश का आपका मिशन डायरेक्टर है, उसके अनुसार शेयर जो की गई थी 885 की उसको जो है कैंसिल की जाती है। इसमें लिखा गया है कैंसिल आपकी की जाती है। वीडियो के एंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखना। विथ इमीडिएट इफेक्ट एंड रिवाइज लिस्ट शैल बी शार्ट शॉर्टली, साफ साफ लिखा गया है इसमें, आप देख सकते हो। बहुत ही जल्द इसमें लिखा इमीडिएटली, बहुत ही जल्द एक जो है आपकी शॉर्ट लिस्ट, एक नई वेटिंग लिस्ट रिवाइज लिस्ट निकाली जाएगी। अब जैसे निकाली जाएगी तो आपको हमारा चैनल सॉल्यूशंस की एकेडमी से प्राप्त हो जाएगी, आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में बेल आइकन को दबा लेना। और बात करते हैं, इन दिस रिगार्ड इट इज़ बीइंग डायरेक्टेड नॉट बी टेक एनी ज्वाइनिंग ऑफ शेयर कैंडिडेट टिल फर्दर, किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं करना, किसी को भी नहीं जाना ज्वाइनिंग के लिए। चलते हैं वीडियो के एंड में, दोस्तों कहीं मत जाना। और ये देखिए रीज़न में मैं आपको बताऊंगा, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं उस PDF, उस नोटिफिकेशन, उस नोटिस की तरफ और जानकारी की तरफ जिसमें आपकी 885 की वेटिंग लिस्ट आई थी। इस नोटिफिकेशन को डिलीट कर दिया गया है वेबसाइट से, सब्जेक्ट रिगार्डिंग शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट एलिजिबल 885 वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट अटेंड CCHN। ठीक है, और यहाँ पर दिया था आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। चलिए नीचे चलते हैं, तो आपको जाना था 10 से 15 तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो भैया किसी को नहीं जाना 10 तारीख से 15 जनवरी के बीच में। अब देखिए
एक चीज़ और सुनो दोस्तों, जब रिजल्ट आया था 885 वेटिंग लिस्ट का 3-4 दिन पहले, तो मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे। और आप मेरी दो वीडियो देखना, पिछली मेरी जो 885 वाली वेटिंग की मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप जाओगे तो काफ़ी लोगों की शिकायत यह है कि सर मेरा तो 65 है OBC में, मेरा तो 75 है जनरल में, लेकिन मेरा फिर भी नहीं हुआ और मेरे से कम वालों का हो गया। तो ये रीज़न एक तरह से है, बिल्कुल 100% है, क्योंकि जब 2800 की आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी, ये देखिए आप पढ़िए बिंदु संख्या एक में, उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 9/9/2021 एवं 10/9/2021 को आयोजित CHO CBT परीक्षा का परिणाम दिनांक 27/11/2021 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM उत्तर प्रदेश की वेबसाइट HTTP UPNRHM की गवर्नमेंट पर घोषित किया गया था, जिसके लिए मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार है। तो आपकी जो है मेरिट लिस्ट के अनुसार आपकी जो है ओपनिंग क्लोजिंग परसेंटेज दिखाई गई थी, शो की गई थी किसके लिए, 2800 CCHN अंडर NHM के लिए। तो दोस्तों इसमें देख सकते हो आप परसेंटेज मार्क्स सिलेक्शन अंडर कैटेगरी, आपकी एम रिजल्ट में शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट आपकी लिस्ट आई थी, तो उसमें जो है ओपनिंग कहाँ से थी, 98 से आपकी परसेंटेज गई थी और लास्ट क्लोजिंग कहाँ हो रही थी, 71 पे अंडर रिजल्ट की। ये थी शॉर्ट लिस्ट के लिए। अब इन्होंने वेटिंग लिस्ट के लिए भी उसी दिन निकाल दी थी जब आपका रिजल्ट आया था, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट आप की गई थी। और वेटिंग लिस्ट तो हालांकि अभी 3-4 दिन पहले आई है, लेकिन उन्होंने काफ़ी महीने पहले ही उन्होंने बता दी थी कि जब भी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो इस कास्ट पे, इस प्रतिशत पे आपकी ओपनिंग होगी। जैसे अनरिजर्व की देखिए आप 71 पे ओपनिंग होगी, क्लोजिंग 60 पे होगी। तो बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये थी अभी परसों जो 885 की वेटिंग लिस्ट आई है उसमें, कि सर जैसे कि हमारा तो अनरिजर्व में जो है इन्होंने क्लोजिंग की बोली थी 71 पे, ठीक है, और ओपनिंग की बोली थी 71 पे, क्लोजिंग की 60 पे, तो मतलब मेरा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा और मेरे से कम बच्चे वालों का सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने मुझे प्रूफ भी बताया था दोस्तों, हालांकि वो प्रूफ मैं आपको नहीं दिखा सकता सुरक्षा के कारणों से, ओके, लेकिन उन्होंने काफ़ी मुझे जानकारी दी थी। जैसे OBC की बात करेंगे तो OBC में 65 गई है ओपनिंग और 56 क्लोजिंग पे, तो मतलब 56 वालों का तो सिलेक्शन हो रहा है इसमें, लेकिन जो 65 वाले हैं, 70 वाले हैं, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बच्चों ये एक कैंडिडेट था, जन सूचना मांगी गई थी, रिपोर्ट मांगी गई थी एक कैंडिडेट के द्वारा, उसके द्वारा भी जो है रिपोर्ट मांगी गई थी और उसने RTA भी लगाई थी इस चीज़ पर कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप इसकी पूरी निष्पक्ष रूप से जाँच कीजिए। तो दोस्तों ये कारण है कि आपकी निरस्त कर दी गई है और इसमें बताया भी गया है, एक सेकंड थोड़ा जुकाम हो रहा है, उसको थोड़ा डिक्लेयर करना होगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है NHM उत्तर प्रदेश की तरफ से, आज सर्दी में हाथ बिल्कुल नहीं चलते यार, कि इमीडिएट इफेक्ट एंड रिवाइज्ड लिस्ट शाल बी शॉर्टलिस्ट शॉर्टली, ओके, शेयर शॉर्टली, यानी शेयर की जाएगी आपसे रिवाइज्ड लिस्ट बहुत ही जल्द। तो जैसे दोस्तों जैसे ही आपकी शॉर्टलिस्ट एक तरह से जारी की जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी, हालांकि सलेश नर्सिंग एकेडमी आपको सबसे पहले अपडेट दे देगा। उसके लिए क्या करना है, अब आपको हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है और पास में जो है बेल आइकन भी दबा लेना है, उससे क्या होगा सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी और आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करेंगे टेलीग्राम और व्हाट्सअप की, तो दोस्तों वीडियो के मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे है ना दो लिंक मैंने दे रखे हैं स्पेशल रूप से, एक तो है आपका टेलीग्राम का, एक है आपका व्हाट्सअप का। व्हाट्सअप पे हमारे 10 से ज़्यादा ग्रुप बन चुके हैं, आप उन पे क्लिक करोगे ना, जैसे इस पे क्लिक करा आपने, क्लिक करने के बाद क्या होगा इसमें ज्वाइन हो जाना आप ग्रुप में, और उसमें भी हम रिगार्डिंग इसके PDF जानकारी लिंक सभी कुछ सेंड कर देते हैं। तो जब आपको सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म में प्राप्त हो रही है तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। ये थी जानकारी, मिलते हैं नए वीडियो में, जैसे कोई नई अपडेट आएगी UPNRHM की तरफ से हम आपको सबसे पहले इसी चैनल पर अपडेट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।